सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उधरा देसी पत्रकार करमू, आदमपुर विधानसभा में मैं खड़ा हूँ। जाना स्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे एक ही बात है भाई, आड़े काम कौन बंदेगा। एक तरफ रामलीला चल रही थी, दशहरा खत्म हो लिया, रामलीला खत्म हो ली, राजलीला चल रही है। और भाई इस टाइम मेरा कोली गांव में आना मजबूरी क्यों होगी, क्योंकि मैं शहर में था तो जाम में फंस रहा था। मैंने पूछा यू जाम किसने लगवाया क्या है, तो ओड़ा मानस बोले यू है रमेश गोदारा, जो जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी है। चाबी का चुनाव चिन्ह या चाबी देखांगे कौन से ताले खोलेगी। और कुछ लोग कहें या मास्टर की है, तो मेरे पीछे तो तमने आवाज़ आने लग रही है, रमेश गोदारा बोलने लग रहा है। पार्षद भी रहा है भाई, जिला पार्षद भी रहा है, और उसके साथ साथ मंच संचालन भी करता रहा है, मंच नेता है। और कई जगह गोते खाए, कई जगह तरतोले खाए, ईब जननायक जनता पार्टी में मैं पहुँचू जाते हैं, क्योंकि जाम भी कराए रखा था शहर में। और फिर मैंने पूछा भाई कड़े पहुँचेगा यू नेता, कुछ लोगों ने बताया कोहली में कोहली जाऊंगा, तो कोहली में हम पहुँच गए। हाँ विराट कोहली नहीं, गाम कोहली, गाम कोहली होगा भाई, भाई तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर देते, कोहली भी कह देंगे। चलो ठीक है, दे दो मेरी साइड 25-25 ग्राम हट जाओ भाई, 25-25 ग्राम हट जाओ, हट जाओ, चलो भाई राम राम भाई, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, नेता जी राम राम, नेता जी राम राम। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, मैंने जहाँ तक आना पड़ेगा यू थोड़ा मेरे तो पकड़ा जाओगे, दो तू गले गले चलता रहूंगा आपके। इसने क्यों लोग जाटा लगे ने, ये नो बोलते हैं, अरे तार वाले रंग में रंग दिया, रंग की राजनीति और बतेरे करे हैं, तो हम भी रंग में लपेटन हुए। मैं भी शहर मान लग रहा था, शहर में देखा मेरी गाड़ी जाम में फंस गई। मैंने पूछा भाई जाम कौन सलवा के गया है, हालांकि आजकल राजलीला चल रही है, एक तरफ रामलीला थी, रामलीला तो खत्म होली, इब राजलीला चल रही है। मैं पूछने लग गया कौन, बोले रमेश गोदारा जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी। मैं भाई कड़े पूछेगा, बोले कोहली में पूछा, मैं पूछूंगा जरूर, यू जाम भी लग रहा है और चाबी का चुनाव चिन्ह है। और थामनो कंधे पर मास्टर की है, जो अगर ताले की चाबी खोजे नहीं तो एक मास्टर की हारे तो सारे ताले खोल दे। इस मास्टर की में दम कितना है, पहले तो सारे के सारे तम मारे दर्शकों ने राम राम कर दो, पहले तो राम राम कर दो जी, राम राम। संसार क्रांति और तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ऊ तो तम दूसरे ने तो नू कंधे फिर हो भाई, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी खट्टर की, नू को 30 फुट ऊपर चल गया जन आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद कौन सा ले भाई, और मन नू दिखा आप भी ऊपर चढ़ रहे थे। मैं तो थोड़ी दूर बाजार के अंदर से गया था, क्योंकि पार्टी ने लास्ट दिन मुझे टिकट देने का काम किया, आते ही मैंने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, और कल से हम चुनाव प्रचार में निरंतर गांव में घूम रहे हैं। अच्छा, तो शहर में एक हाजिरी लगाना चाहता था, चलते चलते लोग कल को ये ना कहे कि रमेश हमारी मंडी में आया नहीं, इसलिए पौड़ी का मेरा आगे का कार्यक्रम दिया हुआ था। मैं बाजार में चलते चलते हाथ जोड़ के मतदाताओं से अपील करता चलूं, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं किसान का बेटा हूं, हम लोग कोई इन 5-स्टार कल्चर की राजनीति करने वाले लोगों में से नहीं सुना। एक मिनट रमेश जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा, माम देसी से मानस है, देसी आन दो, देसी आन दो। मैंने नो पूछा ये शहर में को जाम, शहर में को काफिला काटे बार बार काट देते, फिरने में काट लेते शहर के बीचों बीच। शहर बाजार में से मैंने पूरा काफिला नहीं निकाला था। अच्छा, मैं केवल। अच्छा, यू पूरा कौन था, इतना बड़ा सांग काट दिया, यू भी पूरा कौन, ये लगे तो रहता यू सारा सिस्टम अलग। ये तो जनता जनार्दन का प्रेम है, जनता आदमपुर हलके में बदलाव चाहती है, और आज जो आदमपुर हलके के दोनों प्रत्याशी है, एक फिल्म इंडस्ट्री से आई है। अच्छा। और दूसरा प्रत्याशी खुद माने गैर राजनीतिक व्यक्ति है। 91 से 96 जब चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब कुलदीप बिश्नोई अपनी कोठी पे आता था, उससे पहले पुलिस लग जाया करती थी कि कुलदीप बिश्नोई का कोई चेहरा ना देख ले। ये 5-स्टार कल्चर के लोग हैं राजनीति में। मैं रोकना चाहूंगा रमेश जी, आपने को एक आई फिल्म इंडस्ट्रीज में था, टिकटॉक तो तारे भी देखते हैं उसकी पक्की, हाँ जी टिकटॉक तो उसकी देखते हैं। वो ऐसा है जी, वो कोई मैं इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकता, मैंने तो अभी तक देखी नहीं, देखती रहती गलती तो देख ली नहीं जाए फिर नशा हो जाएगा काम। ऐसे मैं जमीन से जुड़ा हुआ गांव देहात का व्यक्ति हूँ,
इन चीजों का नशा नहीं होता, हमें तो गांव गरीब किसान के उद्धार का काम करने का नशा है। और मैं तो खुद धरती का सीना चीर के इस देश को अनुत्पादित करने वाला किसान हूँ, और किसान और कमेरे की बात करना हमारी प्राथमिकता है ना। हम फिल्में देखने के लिए हमारे पास फुर्सत है, और आप लोग तो पत्रकारिता से संबंध रखते हो, जिन जिन लोगों ने फिल्मी हस्तियों को चुनने का काम किया, बीकानेर से धर्मेंद्र जी को सांसद बनाया था, और बाद में आपने वो पोस्टर भी देखे होंगे कि गुमशुदा की तलाश। आदमपुर हल्का वो गलती करने वाला नहीं है, गुमशुदा की तलाश की जरूरत नहीं है, इनको अपने बीच में रहने वाले भाई की जरूरत। एक चीज मैं कहना चाहूंगा रमेश जी, उसकी टिकटॉक देखियो चाहे ना देखियो, महाराणी देसी वीडियो जरूर देख लिया करो। आपकी देसी जरूर देखोगे, देसी आदमी हूँ, देखो महाराणी तो बिल्कुल जरूर देखता हूँ। बिल्कुल कर बोल, आप सही पत्रकारिता करते हो, गांव देहात की बात करते हो, ग्रामीण अंचल में जाकर के गांव की समस्याओं को उजागर करने का काम करते हो। मैं आपकी पत्रकारिता को पूर्ण रूप से पसंद करता हूँ। अच्छा ईब या होगी अपनी चाणचक की भिड़ंत, क्योंकि मैं तो जाम का चक्कर में रान पहुंचे हूँ, मैं देखना चाहूँ ऐसा के सांग जोड़ रखा यू ईबी करते देखा, ये देख भाई आड़े के गुड़ बने भाई है, एकदम एक चीज तो है जेजेपी वाले में, एक बात देखी भीड़ मास्टर तो रहे, जरा जाओ भीड़ तो इकट्ठी कर ले। भीड़ देखो बुलाने से भीड़ नहीं, रैली भी तकड़ी बंद के दम रो तकड़ी, भीड़ बुलाने से नहीं आती। जनता जनार्दन टकटकी निकाल लगा करके, जो पीछे की सरकार 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, इसके जो आदमपुर वाली आने दोनों मड़ी आदमपुर वाली, आदमपुर में तो आदमी लोग भूल ही चुके हैं कि कोई विधायक है और वो जनता जनार्दन के बीच आता है। आदमपुर हल्के को तो एक मैं एक्चुअल के अंदर जो छतरी वगैरह बनाते हैं ना, सुना तो देसी मान तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में जो छतरी बनाते हैं बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसको मड्डी कहते हैं, मड्डी। तो आदमपुर हल्के को तो इस कुलदीप बिश्नोई ने मड्डी बना के छोड़ दिया, ना उस पर बिजाई हो सकती, ना कोई काम होता, ना कोई विधानसभा में आवाज उठाता, ना किते जाके कि मैं कहे, ना किसी तक मिले, केवल मात्र बस राग अलाप करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा एक बात, एक बात मेरी सुनो आप, तो एक बात मन संचालन का ये क्या कमी, मन संचालन वाले में आपने अपने को दूसरे ही सुने कौन है। एक गंभीर बात बताना चाहता हूँ, बता दो गंभीर, घनी गंभीर तो नहीं ना। आज अन्न भंडारण में हरियाणा प्रदेश का कितना योगदान आप बताइए मुझे, देश के अन्न भंडारण में कितना योगदान आप पे बता दो, हम तो बता दें आप। हरियाणा प्रदेश और पंजाब का देश के अन्न भंडारण में सबसे बड़ा योगदान है, गेहूं की पैदावार हरियाणा प्रदेश और पंजाब देश को सबसे ज्यादा गेहूं और चावल देने का काम करता है। हमारे इलाके से 13 साल चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, आज 65% 70% इलाका बंजर पड़ा है। पिछले दिनों आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा, आदमपुर हल्के का एक गांव बुड़ाक, जिसने गांव ने प्रस्ताव पास करके मांग की है कि हमें राजस्थान में मिला दिया जाए, हम राजस्थान से टैंकरों के माध्यम से पानी लेकर के पीते हैं। जहां 13 साल मुख्यमंत्री रहे और उस इलाके में पानी पीने पानी की समस्या रहे, और कुलदीप निरंतर विधायक बनते रहे, कभी विधानसभा में इस बात की आवाज उठाने का काम नहीं किया। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम हो मंच के खिलाड़ी, घड़ी देर तक बोलते रहो मैं नहीं रोकूंगा, नहीं मन मन तारा ही भी तारा भी लग गया मन मेरे पर नहीं थमते हो तम, मैं कहूँ जुकर निर्मल बाबा का हार है, बोला तारी कहानी में या चीज आवे जीव तम कितने भाषण दें दे हो तो एक बात कर दे सुनो मैंने गर्दन काट दूंगा तेरी, ये उस दूसरे की बात हम क्यों कह रहे, या कई दूसरे ने थम बीच बीच में चाचा के नुकन दे फिर भाई नुकम है, ये मतलब इस जी हम गांव देहात के लोग हैं, ब्राह्मण समाज का छोटा सा भी बच्चा उसको दादा कहते हैं, और दादा शुक्र है दादा, जब दादा जिन ने कहा और उस दादा की हरियाणा का मुख्यमंत्री गर्दन काटे तो पीड़ा तो मारे भी होगी। मैं एक मिनट अरे किसके छो उठ गया रहा है, हाँ भाई पार्टी भी टूट गई पास थी, नारा टूट दिया, नारा टूट दी नहीं कर मुझे जिसने कह दिया रे बांक दिया, अपराध तो भगवान की नजरों में कर ही दिया ना। अगर मान ले गर्दन काटने के कहने के बाद और इस तरह करने के बाद मान ले उसकी मंशा तो जाहिर हुई, नहीं कर पाया वो एक अलग बात है, लेकिन ये मुख्यमंत्री सत्र के व्यक्ति के लिए ये बात शोभा नहीं देती। इस पर मैंने एक छोटा चुटकुला सुनाया जो तुमने, एक छोटा चुटकुला आधे मिनट का है। एक गांव में लाग गया, अरे उस गांव में लाग गया सारे पूछने लगे कि न लाई कि न लाई,
एक बुढ़िया पकड़ लिया कर मैं नू बोले बोले ताई तना लाई गए ना बोले मन तो छोटी चिंगारी लाई थी मनाए कौन लाई थी इब ताम वाय बात खट्टर साहब तो कहने लग रहे हो बोले जिम नू कर दिया तो कटे सरकार इसी सरकार है एक रमलो पहलवान दादी के दौरे ताई के दौरे लासी लैन बिक गया। अच्छा ताई बोली रे रमलो तने आगे लासी गालूंगी मैं पानी लिया हूं तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अच्छा और वो चाकी का थोड़ा ले गए रान सी लग गया नहीं तो जोर का थोड़ा लग गया चाकी टूट गई पार्ट टूट गया इतने ने ताई का क्वाड बाजा दरवाजे का एकदम सोचा आई ताई आंदा ही मारेगी उठन लग गया ऊपर घी की गुडली टंगी रही थी छिके में उसका सिर लग गया वहां ढह पड़ी। अच्छा। तो उसने सोचा ये और चाड़ा हो गया बाजदा बाजदा बाहर आया ताई के कंधा भिड़ा वो उसका मटका पड़ गया वाह बोली अरे अरे मलू तेने रो लियो बोले ताई चाल दी जा रोंदी दा खटर के खटर के तो ये काम आदमपुर विधानसभा है इसमें सुनवाई क्योंकि और सीट तो आप होगी सोनाली पर जब फिल्म स्टार जब फिल्मी दुनिया जाएगी अरे एक तरफ कुलदीप बिश्नोई घट भजन लाल का घट वो उसका छोरा घट तो पिछले लोकसभा में धराशायी कर दिया धराशायी तो बीजेपी ने करा नहीं जनता जनार्दन ने किया। भारतीय जनता पार्टी करने वाली थी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 300-400 वोटों में सिमटती रही है ये तो जनता जनार्दन का फैसला था और हिंदुस्तान की जनता राष्ट्रवाद की भावना में हमेशा बहती रही है चाहे 1972 का चुनाव रहा हो पाकिस्तान के युद्ध के बाद में बांग्लादेश बनने के बाद में चाहे कारगिल का चुनाव रहा हो और पीछे पुलगांव के नाम पे राष्ट्रवाद के नाम पे हमेशा 10 सीट हरियाणा प्रदेश ने देने का काम किया। अच्छा, ताम ताले खोलने का नाम पे लग रहे हैं हम ताला वहां तो चलो राष्ट्रवाद ताम ताले खोलने का नाम पे कर्मो जी हम ताला विकास का खोलना चाहते हैं। जिस दिन से ये पूंजीपतियों की सरकार आई है ग्रामीण अंचल पीछे चलता जा रहा है ग्रामीण अंचल की कोई सुध बुध लेने वाला आदमी नहीं है। एक बार इन्होंने पूछ लो मेरे की हां एक मिनट काम बंद करो भाई काम बंद हो गए बनसे की बात है इस चाबी का ताला खुल जाएगा जमा खोलेंगे जमा ऐन खोब खोलेंगे जी सेटिंग से बंद हो गए बड़ा भारी जमा ऐन घंटा पड़ जाएंगे। अच्छा, आज कितने काम हम गए कितना किरा आज 3 गांव हमारे बाकी हैं। अच्छा। करीब 17 गांव आज हो जाएंगे 17 कल करे थे 17 परसों करेंगे और मैं तो यहाँ बीच में रहा हूँ लगभग मैं छोटी सी उम्र में लग गया रोग अंडर छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं लोग सेवा का रोग राजनीति की तो सेवा का रोग सेवा का रोग। मैं तो एक बात बताऊं कर्मो जी मेरा गांव टोटली बंजर हुआ करता था। अच्छा। मैं 88 में गांव का सरपंच बना तो जोड़ में पानी नहीं होता था पीने का पानी नहीं लाडवी गांव से लोगों से उनके नहरी पानी का वार मांग के जोड़ भरा करता था और अपने प्रयास और मेहनत के बलबूते पे नहर निकलवा के उस गांव को सिंचित करके आज भरा भरा करने का काम मैंने किया। उछल कूद कर दे जिला पार्षद भी बन के फिर बने थे जिला पार्षद भी रहा हूं मैं। अच्छा, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूं आजका का जिला अध्यक्ष भी घाट घाट का पानी पी रहे हूं ऐसे है मुझे ऐसे है ना कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में बढ़ना पड़ता है। इस कुलदीप की सारी जो चालाकियां मुझे पता है इसलिए इसको नेस्तना नाबूद करने का काम मुझे करना है वो तजुर्बा काम होगा वो तजुर्बा और कीचड़ में कमल भी खिला करें कमल भी देख लियो कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन आज इस कमल ये हरियाणा प्रदेश के लोग जब कमल पे निगाह डालते हैं तो इनको 4 बार प्रदेश जलता हुआ नजर आता है रोहतक में जलता हुआ नजर आता है इनको पंचकुला में जलता हुआ नजर आता है इनको बरवाड़ा में जलता हुआ नजर आता है और जो गैस टीचर के ऊपर जो लाठी चार्ज और पानी छोड़ने का काम किया था वो घटना भी नजर आती है। चलो जी वो तो ऐसे खेले गए जी उनके सामने मोदी जी के राहुल जी थे यहाँ हमारे खट्टर साहब के सामने दुष्यंत जी है जितना भारी राहुल जी के सामने मोदी जी थे उतने ही हमारे दुष्यंत जी खट्टर जी के सामने है वो इलेक्शन अलग था ये इलेक्शन अलग है जी। चलो मैं एक बात कहना चाहूंगा सारे ने मैं राजकुमार जांगड़ा हूँ और उप प्रधान हूँ जिला का हमारी वीडियो देखो नहीं पहले कितनी की हर जगह तो खिंचा सुनो आप जो कहो थे ना टिकटॉक की वो तो है नकली ड्रामे और आप पड़े हैं असली ड्रामे वो तो हम एक भी कौन चुका जड़ा जड़ा आप रेड मारो ना वो सारी रेड देखा रियल और रियल वेरी गुड ये रियल काम करो रियल हाँ हाँ
दूसरा मैं कहना चाह रहा था, आप कह रहे थे भाई आप उसकी बात को क्यों बनाओ, खट्टर साहब की जो नाड़ काट दे, एक फिल्म में हाथी लड़े थे, सुनो भाई दर्शकों, एक फिल्म में हाथी लड़े थे और उन्हें पूरी तोड़फोड़ मचा दी, तोड़फोड़ मचा दी तो दर्शक थे ना वो बोले भाग लियो हाथी आपने भी मारेंगे, तो दूसरा बोलिया बोलिया अरे फिल्म है फिल्म है, बोलिया हाथिया ने बेरा को नहीं फिल्म है। हम देहात के अंदर इसलिए बताते घूम रहे हैं कि इस प्रदेश का जो आज राजा है वो ऐसे ऐसे निहत्ते लोगों को ऐसे ऐसे क्रूरता से धमका रहा है, तो तुम इसको दरकिनार करके और इस प्रदेश के कामकाज को। समय समाप्त। और सुनो भाई, सुनो सारे के सारे, एक मिनट थाम थारा रे नारे लाओ माम मारा रे लवावांगे, थामने तो लालिये मारे सुन लो, राजनीति आवगीर जावेगी, दशहरा होले खत्म, एक तरफ थी रामलीला, अरीब चल दिया राजलीला, और इस राजलीला में कई बारी डर्टी पॉलिटिक्स हो जाए, अच्छी और उच्छी में मात्रा एक अंतर है नेताजी, लेकिन ओछी राजनीति ना करियो। मैं धरते को आऊंगा एक बार, क्योंकि आजकल राजनीति वाले जातिवाद का जहर घोले हैं, मेरे पीछे नेताजी खड़े हैं, फिर भी मैं खुल के कहना चाहूंगा राजनीति वाले जातिवाद का जहर घोले, मैं कहूंगा जातिवाद तोड़ो, तम कहियो भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, रनु जुड़ेगा तेज आन दे, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो। हाँ जी मुझे अंत में एक बात कहना चाहूंगा, मैं कुलदीप के साथ था और उसकी पार्टी का जिला प्रधान भी हुआ करता था और स्टेट का स्पोक्समैन था, कुलदीप बिश्नोई ने जींद में रैली करी थी और मेरे पास अखबार की कॉपी पड़ी है, आपको कल मैं उसका फोटो स्टेट दे दूंगा आपको। मेरा बिगाड़ इसी बात पे हुआ था क्योंकि मेरा गांव जाखोदखेड़ा गांव सोशलिस्टों का गांव रहा है, समाजवादियों का गांव रहा है, हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। 1962 में चौधरी नेतराम जी वहां से विधायक बने थे और कप्तान रणजीत सिंह जो ज्वाइंट पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री पद के दो वोट में एक वोट से पिछड़े थे उनको हरा करके बने थे। उस अखबार में विज्ञापन पेज के जरिए खबर लगाने का काम हुआ था, उसमें लिखा था कुलदीप बिश्नोई हुए गैर जाट नेता स्थापित, उसमें 10 कारण दिए थे, जाटों का इलाज भजनलाल ने जाटों का ये किया जाटों का, और एक लाइन लिखी हुई थी कि जाटों का इलाज जरूरी है। मैंने उस दिन कहा था कुलदीप बिश्नोई हम जातिवादी नहीं थे ते इसलिए तेरे साथ राजनीति में थे और हम 36 बात बिरादरी के साथ समभाव रखने वाले लोग हैं, तो इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स कर रहा है तो आज से अपनी राम राम, उसी बात पे राम राम हुई थी। तो हम तो जात पात तोड़ के सब जात पात छोड़ के जात पाती का बंधन तोड़ के समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, 35-1 का नारा देने वाले लोग ये और भारतीय जनता पार्टी उसमें पानी देने का काम कर रही है। मैं एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, एक जातिवाद हो एक जाटवाद हो दोनों खतरनाक, जाटवाद भी जातिवाद भी कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कर्मो जी आप गांव देहात की पृष्ठभूमि को देखते हो, गांव जब बसे थे गांव के 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर के जो बिरादरी नहीं थी दूसरे गांव में भाइयों के सामने हाथ जोड़े, किसी गांव में कुम्हार नहीं था तो ला करके कुम्हार भाइयों को बसाया, किसी गांव में ब्राह्मण नहीं था तो ब्राह्मण को ला के बसाया और गांव के बिस्वेदारों ने जमीन काट करके डोली की जमीन उनको मंदिर को लगा के दी थी, जिस गांव के अंदर जांगड़ा नहीं था जांगड़ा को लेके बसाया, जिस गांव में वाल्मीकि नहीं था वाल्मीकि को बसाया। वो एक बात और कहना चाहूँ था, 1947 के गदर के समय में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, उस समय जो मुस्लिम लुहार गांव में बसते थे गांव के भाइयों ने छाती तान के ये कहा कि हमारे भाई है। आज भी इस बात का उदाहरण मेरा गांव है आपके साथ लगता मोहब्बतपुर गांव है बाड़समंद गांव है, आज भी मुस्लिम लुहार वहां बसे हुए हैं और उन लोगों को बसाने का काम लोगों ने किया था और गांव के गरीब आदमी की कभी किसी धन्ना सेठ ने मदद नहीं की, गाँव के किसान भाई ने आपस में रह करके मदद की थी, एक प्रगाढ़ भाईचारा था और तौर आर्थिक तंत्र पर इतनी व्यवस्था थी, गांव के लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था की थी, तांगड़ का काम करने वाला चमड़े का काम करने वाला लोहे का काम करने वाला लकड़ी का काम करने वाला नाई का काम करने हजाम का काम करने वाले के इतनी खड़ाक आती थी प्रत्येक 6 माह के अंदर जितनी 25 एकड़ के जमींदार के पैदा होती है, इस तरह का भाईचारा और इस तरह की व्यवस्था थी। इन लोगों ने जात पात का जहर घोल के हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश की है और हम इन लोगों को आज जनता बख्शने वाली नहीं है। एक बात मैंने आज कहानी मेरे समझ में आएगी, जिंदगी में कभी प्रवक्ता नहीं टोकना, प्रवक्ता तुम्हें हाँ याद आ चुकी,
प्रवक्ता का रेट मानी, प्रवक्ता पर रेट मार दी और प्रवक्ता थम था नहीं भाई, और मन हिसाब लाकर कण करे नेताओं का भाषण भी आप लिख कर देंदे हो। अच्छा एक मिनट दुष्यंत बात होंगी रन दूंगी, एक बात कह दिया दुष्यंत मेरी तरफ से, हमारे संसार क्रांति न्यूज की तरफ से कही हो, मैंने एक भाषण सुनाया था, उन्होंने कहा ठेके थोड़ा पाँच से सरका दूंगा, उन्होंने कह दिया इतना पाँच से सरका दिए जमा हटा दिए, याद बात कह दियो, क्योंकि नशा अरे चिट्टा भी है, अरे चिट्टा नशा भी है, नशे का ये चिट्टा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आया, ये चिट्टा पीपे का काले हो गए भीतर, भीतर काले हो गए लोग नहीं, आज क्या है कांग्रेस के शासन काल के अंदर लैंड यूज हम ठेके सरकार की ना बात करो, ठेके हटाने की बात करो, सरकार तो क्यों कर बात बनेगा ठाओ ऐसे सारे तो कोई भी पार्टी वाला भाई, हमारा प्रयास रहेगा प्रदेश की बेबुद्धि के लिए जो अच्छा बन पाएगा दुष्यंत चौटाला जी वो करेंगे, एकदम नहीं कटे तो आधी बीमारी काट दियो, आधे बंद कर दियो, एकदम नहीं कटे कि मैं गांव से एक आध किलोमीटर दूर दूर कर देंगे तो बाट कूटन का डर था कि मैं तो कम पीवेंगे। चलो मेरे गल बोलो नशा, मैं कहूंगा नशा हटाओ तो हम कहियो देश बचाओ, नशा हटाओ देश बचाओ, नशा हटाओ देश बचाओ, नशा हटाओ देश बचाओ, जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा। ठोको शेर भाई शेरिंग का धुआं उठा दो और प्रवक्ता ना मैं ठोकू नहीं आगे दोबारा, प्रवक्ता चल गया बड़े बच्चे चार दो पूरे